सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो आपने ये देखा जिस तरह की सूची है, जो वो देश जो डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, पहली बार टॉप फाइव में भारत ने शिरकत की। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत का रक्षा बजट पहली बार दुनिया के टॉप पांच बजट वाले देशों में शामिल हुआ। भारत 2017 में 52.5 अरब डॉलर के खर्च के साथ रक्षा बजट के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंच गया। भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। थल, वायु और जल सेना पर खर्च जिस तरह से किया जा रहा है, उसने बड़े बड़े देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सैन्य खर्च में दुनिया के टॉप पांच देशों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर सऊदी अरब, चौथे पर रूस और पांचवें पर भारत आता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत तेजी से सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। यही कारण है कभी पांचवें स्थान पर रहने वाले फ्रांस को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। साल 2016 में भारत का रक्षा बजट 51.1 अरब डॉलर था। भारत के पास 37 युद्धपोत, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 11 विध्वंसक हैं। देश के पास 500 से अधिक लड़ाकू विमान हैं और 3,330 से अधिक टैंक हैं। भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2 परमाणु शक्ति संपन्न हैं। वहीं भारत की सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। इसकी स्थापना सन 1947 में भारत को आजादी मिलने के तुरंत बाद हुई थी। आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि भारत अपनी सैन्य सेनाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए रक्षा बजट पर ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। देश धनुष तो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका, इंसास राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट, सेना के लिए विशेष ट्रक गाड़ियां, मिसाइल, अरिहंत पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे तमाम हथियार और सैन्य उपकरण बना रहा है। अब उन पांच बड़े देशों पर भी नजर डालते हैं जो भारत से पीछे हैं। जहां भारत का सैन्य बजट करीब 4,26,000 करोड़ का है, तो फ्रांस 3,86,000 करोड़ के बजट के साथ पीछे है। ब्रिटेन का सैन्य बजट 3,13,000 करोड़ रहा, जापान का 3,03,000 करोड़ तो जर्मनी का 2,95,000 करोड़ रहा। अभी तक जो आंकड़े हैं कोई खास अच्छे नहीं है। जो अभी भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी के पास इक्विपमेंट है, तकरीबन 68% जो है ऑब्सोलीट कैटेगरी का है। इक्विपमेंट अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। गन्स एंड वेपन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। रिफ्यूलिंग के लिए हमें जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट को मिड एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए, उनके लिए भी जरूरत है। और समुद्र की तरफ भी जो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो समुद्री बेड़ा है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे कहते हैं, वो बहुत कम है। जितना बड़ा हमारा समुद्री इलाका है, अगर हमने उस पर डोमिनेंस कायम रखनी है तो हमारे पास बहुत ही कम संसाधन है सैन्य शक्ति के रूप में। तो ये हमारी कोई पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है दो फ्रंट की वॉर को देखते हुए। ये आंकड़े जानकर हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिन्हें जानना जरूरी है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रिसर्च से सामने आया कि भारत में सैन्य खर्च का बड़ा हिस्सा सैन्य कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने में चला जाता है। इसलिए नए और आधुनिक साजो सामान खरीदने के लिए सेना के पास ज्यादा फंड नहीं बचता। जो सेना है वो अपना एमुनेशन खरीद नहीं पा रही, जरूरी हथियारों का एमुनेशन नहीं खरीद पा रही, इसमें भारी कमी है। आप जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वो लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि मिग 21 जहाज, मिग 23 जहाज, मिग 27 जहाज जो कि 1960 और 1970 की दशक के हैं, वो आसमान से टपकने शुरू हो गए हैं। उनको फेज आउट किया जा रहा है। अभी तक ना तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पूरे नंबरों में आई है और एक भी राफाल फाइटर अभी तक नहीं आया।
2019 से आना शुरू होंगे और केवल 36 आएंगे, जबकि रिक्वायरमेंट 120 के ऊपर की थी। भारत की जो स्पेंडिंग है डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में, वो बहुत ही ज्यादा कम है और पिछले समय में भी बिल्कुल कम रही है। ज्यादातर जो डिफेंस बजट है पे एंड अलाउंसेज में चला जाता है और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर नहीं होता, इसलिए इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसी कारण हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर पड़ोसी मुल्क बढ़ाते हैं तो उनकी हर किसी पे, जैसे काउंटर बॉर्डर टेररिज्म है, अगर हम उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे या हमारी कैपेबिलिटी नहीं होगी तो हम उनके आगे झुकते जाएंगे। और ये समस्याएं जो बॉर्डर डिस्प्यूट की हैं, काउंटर टेररिज्म की हैं, और जो आतंकवादी अंदर ट्रेन होकर आते हैं, वो कभी सफल नहीं होगी अगर हमारा अपर हैंड नहीं होगा। भारत में सैन्य खर्च बढ़ने के बावजूद सेना को आधुनिक हथियार नहीं मिल पा रहे। इसके बजाय बजट का ज्यादातर हिस्सा सैन्य कर्मियों की तनख्वाह और पेंशन को ही निपटाने में खर्च हो जाता है। बता दें कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैन्य कर्मी काम कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 20 लाख रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की जरूरत भी इसी सैन्य खर्च के जरिए पूरी की जाती है। सिर्फ 14% ही सेना के आधुनिकीकरण में खर्च हो पाता है। स्पेशल डेस्क MH1 न्यूज। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत को सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? क्या रक्षा बजट बढ़ाने के लिए भारत पर कोई दबाव है? क्या पड़ोसी देश इसकी वजह है? सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के रक्षा बजट बढ़ाने का बड़ा कारण है चीन और पाकिस्तान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से भारत सरकार अपने सैन्य बलों का विस्तार, आधुनिकीकरण और परिचालन क्षमता को बढ़ाना चाहती है। चीन और पाकिस्तान के साथ अपने तनाव के चलते सैन्य दलों की संचालन क्षमता को और आधुनिक बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे भारतीय सैन्य खर्च में अभी बढ़ोतरी जारी रहेगी। लेकिन दोनों ही देशों का रक्षा बजट चिंता में डाल देता है। आपके दो बड़े प्रतिद्वंदी हैं, एक चीन और एक पाकिस्तान। इसके अलावा आपके ऊपर आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। जम्मू और कश्मीर में जिहादियों के जरिए, छत्तीसगढ़ में माओइस्ट के जरिए, इत्यादि इत्यादि खतरों की कोई कमी नहीं है आपको। मैं आपको सिर्फ संकेत देना चाहता हूं कि चीन का रक्षा बजट सालाना 175 अरब डॉलर है। इसके मुकाबले में आपका रक्षा बजट इस साल 48 अरब डॉलर है। 48 अरब डॉलर मतलब कि एक तिहाई से भी कम है चीन के रक्षा बजट के। आपको न सिर्फ चीन का ख्याल रखना है, आपको चीन और पाकिस्तान दोनों का टू फ्रंट वॉर का सामना करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। बात चीन की करें तो रक्षा बजट के आंकड़ों में दूसरे नंबर पर रहे चीन का बजट भारत से 3.6 गुना ज्यादा है। चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में 8.1% की बढ़ोतरी की है। चीन का पिछला बजट भारत से 3 गुना ज्यादा था। वहीं भारत ने पिछले साल अपना रक्षा बजट 3,409 अरब रुपए रखा था। अब देख लेते हैं भारत और चीन की सेना में कितना अंतर है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं, भारत में 15 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं। चीन के पास 11,200 किलोमीटर मारक क्षमता वाला डॉक्स फेंग 31A मिसाइल है। भारत के पास 3,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि 3 मिसाइल है। चीन के पास दूसरा 15,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाला डोंगफेंग 41 मिसाइल भी तैयार है। भारत के पास दूसरी 4,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 और 5,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल को बेड़े में शामिल करने में अभी 1 साल का वक्त लगेगा। चीन के पास कुल 260 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 110 है। चीन के पास 2100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, भारत के पास 500 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। चीन के पास 7,000 से ज्यादा टैंक हैं, भारत के पास टैंकों की तादाद 3,300 से ज्यादा है। चीन के पास कुल 111 युद्धपोत,
एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 31 विध्वंसक हैं। भारत के पास 37 युद्धपोत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 11 विध्वंसक हैं। चीन के पास 63 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 9 परमाणु संपन्न हैं। भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2 परमाणु संपन्न हैं। ये तो रही चीन की बात। भारत का एक और पड़ोसी है जिससे भारत को खतरा रहता है। भारत के इस नापाक पड़ोसी का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का अपना बजट पेश किया, जिसने चिंता बढ़ा दी। इसका कारण है रक्षा बजट के लिए पाकिस्तान सरकार का भारी भरकम आवंटन। आने वाले 12 महीनों में पाकिस्तान रक्षा बजट के तहत करीब $10 अरब खर्च करेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र पर 18% ज्यादा पैसा खर्च करने जा रहा है और बीते एक दशक में ये उसके द्वारा रक्षा बजट में की गई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। भारत को सैन्य ताकत बढ़ाने की डेफिनेटली जरूरत है। इसका रीजन है कि चाइना की बढ़ती हुई ताकत और उसका इंटरफेरेंस, वो हमारे आसपास के देशों को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे मालदीव्स है, मलेशिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को वो फुल सपोर्ट कर रहा है रोड बनाने में, इक्विपमेंट देने में। तो भारत दो तरफ से बड़े दुश्मनों से घिरा हुआ है और ऐसी पॉसिबिलिटी की है, हो सकती है फ्यूचर में कि हमें शायद दो फ्रंट पे वॉर लड़ना पड़े। बीते सालों में पाकिस्तान के रक्षा खर्च पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम चलता है कि उसने हाल के सालों में कोई बड़ा रक्षा सौदा नहीं किया। इसके बदले वो अपने परमाणु हथियारों का जखीरा जरूर बढ़ाता रहा। पाकिस्तान भारत की परंपरागत सैन्य ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता। यही वजह है कि वो अपनी परमाणु क्षमता को विस्तार देकर शक्ति का संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हर साल इस जखीरे में करीब 20 परमाणु वॉरहेड का इजाफा कर रहा है। इसके साथ ही भारत के साथ तनाव को देखते हुए वो छोटे परमाणु हथियारों के विकास पर भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। हम लोग शांति की भिक्षा मांग रहे हैं अब, और क्योंकि हम तैयार नहीं हैं, तो इसके चलते हमको ये देखना है कि हम 1962 जैसे बगैर तैयारी के ना पकड़े जाएं। 1962 में भी हमारा जो रक्षा बजट था, हमारी जीडीपी का 1.5% करके रख दिया गया था और हमें मैदान जंग में बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के रक्षा बजट का एक अहम पहलू ये भी है कि इस बार नौसेना यानी नेवी के खर्च में भारी बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल नेवी के ऊपर करीब 22% रकम ज्यादा खर्च की जाएगी। अगर पाकिस्तान के मुकाबले देखें तो ताजे वित्त वर्ष के लिए भारत का रक्षा बजट उससे करीब 6 गुना है। इसके बावजूद पाकिस्तान के रक्षा बजट में ये बढ़ोतरी इस बात का इशारा करती है कि भारत को उसकी परमाणु क्षमता के ऊपर करीबी नजर रखनी होगी। स्पेशल डेस्क MH1 न्यूज। तो आपने देखा, यह है दुनिया भर में बढ़ता रक्षा बजट, भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसियों के रक्षा बजट को लेकर हालात। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।